नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये नष्ट प्रायश्व भद्रेशु नित्यं भागवतसेवया भागवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु गौर भक्त श्रीवासादिगौरभक्तवृंद हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे। श्रीमद्भागवतं दशमस्कन्द पैषट्वाध्याय तिसरा श्लोकः टेन् पाय्ण्ट् सिक्स्टि फैव् पाय्ण्ट् त्री चिरं नः पाहि दासारः सानुजो जगदीश्वरः इत्यारो प्यांकम आलिंग्या नित्रैही शिशिचतूर्जलैही चीरम नह पाही दाशारह सानु जो जगदिश्वरह इत्यारो प्यांकम नेत्रैः शिशिचतुर्जलैः क्षीरं ह पाहि दासारः सानुजो जगदीश्वरः इत्यारोप्याङ्कमालिङ्ग्येत्रैः शिशिचतुर्जलैः माताएं। शब्दार्थ चीरम दीर्घकाल से नहा, हमारी पाही रक्षा करे दाशारह हे दशारह वंशज स सहित अनुजह तुम्हारे छोटे भाई के जगत ब्रह्मांड के ईश्वर स्वामी इति ऐसा कहकर आरोप उठाकर अंकम अंगम अंकम अपनी गोद में आलिंगस्य आलिंगन करके नेत्र आंखों के शिशि चतुहु सिक्त कर दिया जल ही अनुवाद नंद तथा यशोदा ने प्रार्थना की हे दशारह वंशज हे ब्रह्मांड के स्वामी तुम तथा तुम्हारे छोटे भाई कृष्ण सदैव हमारी रक्षा करते रहो यह कहकर उन्होंने श्री बलराम को अपनी गोद में उठा लिया उनका आलिंगन किया और अपने नेत्रों के आंसुओं से उन्हें सिक्त कर दिया तत्पर शिल प्रभुपाद के शिष्यों के द्वारा शिल प्रभुपाद की इस श्लोक पर श्रील जीव गोस्वामी ने इस प्रकार टीका की है नंद तथा यशोदा ने श्री बलराम से प्रार्थना की तुम अपने छोटे भाई सहित हमारी रक्षा करते रहो इस तरह उन्होंने इस बात के लिए सम्मान व्यक्त किया कि वे बड़े भाई हैं और उन्होंने यह भी दिखलाया कि वे उन्हें अपने ही पुत्र के रूप में कितना मानते हैं ओमज्ञान तिविरंधस ज्ञानंजल शलाकय चक्षुर येन तस्मै श्री गुरुवे नमः ಶ್ರೀ ಚೈತನ್ಯ ಶ್ರೀಚೈತನ್ಯಮನೋಭೀಷ್ಟ ಭೂತಲೆ ಸ್ವಯಂ ರುಪ ಕಂ ದೇವದಂತಕ ನಮೋ ವಿಷ್ಣು ಪದ ಕೃಷ್ಣಪ್ರೇಷ್ಠ ಭೂತಲೇ ಶ್ರೀಮತೆ ಭಕ್ತಿ ವೇದಾಂತ ಸ್ವಾಮಿ ವೇದಾಂತಸ್ವಾಮ ನಮಸ್ತೆ ಸಾರಸ್ವತಿ ದೇವ ಗೌರವಾಣಿ ಪ್ರಚಾರಿಣೆ ನಿರ್ವಿಶೇಷ ಶೂನ್ಯವಾದಿ ಶೂನ್ಯವಾ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯಣೆ ಜಯ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಚೈತನ್ಯ ಪ್ರಭೋ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಶ್ರೀ ಅದ್ವೈತ ಗದಾಧರ ಭಕ್ತವೃಂದ हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे श्रीमद् भागवतम दशं, के दश दशम स्कंध के अध्याय पैंसठ के ये तीसरा श्लोक जो अभी हम उच्चारण किए जिसमें पहले देखेंगे कि भगवान कृष्ण कैसे उद्धव को भेजते हैं वृंदावन में सांत्वना देने के लिए उनके माता पिताओं को अथवा गोपियों को और इसके बाद फिर बलराम जी को बलराम जी आते हैं वृंदावन में भगवान कृष्ण तो वैसे तो कहा था कि वो फिर से लौट के आएंगे जिस जैसे अब अक्रूज जब लेने के लिए आते हैं केशी असुर का वध करने के बाद तुरंत अक्रूर जी जब लेने के लिए आते हैं तो उस, उस समय भगवान कृष्ण यशोदा माता उनके माता पिताओं को सभी को ये आश्वासन देते हैं कि वो फिर से आएंगे तो इसमें संदेह नहीं सत्यम परम धीम ही भगवान सत्य ही वचन बोलते हैं भले ही श्रीमद् भागवतम में इसका वर्णन नहीं हो पर दूसरे पुराणों में आचार्य गण इसकी इसका उल्लेख करते हैं कि भगवान कृष्ण फिर गए हैं दंतवक्र का वध करने के बाद शाल वंत वक्र वध करने के बाद भगवान कृष्ण फिर से अपने धाम वृंदावन जाने के बाद अपने सभी वृंदावन वासियों को गोलोक फिर से उनको लेके चले जाते हैं और फिर अपने विस्तार स्वरूप को यहीं पे द्वारका में फिर से लौट आते हैं तो ऐसी लीलाएं होती हैं तो इसमें यहाँ पे इस लीला में देखेंगे कैसे बलराम जी का संबंध है यशोदा माताओं के साथ जिसे अपना पुत्र जिसे कोई भेद नहीं यशोदा माता के लिए और नंद बाबा के लिए बलराम और कृष्ण में ऐसे कोई भेद नहीं उतना ही प्रेम जितना कृष्ण उतना ही बलराम से भी प्रेम है और गोद में बिठा रहे हैं अपने आंसुओं से उनको सिक्त कर रहे हैं तो दिखने में लग सकता है कि ये दुख व्यक्त कर रहे हैं या फिर जिस प्रकार पुत्र से बिछड़ने के बाद माता पिताओं को दुख होता है वेदना होती है तो वेदना अश्रुओं के द्वारा व्यक्त होती है तो ऐसे लग सकता है कि ये दुख है पर आध्यात्मिक जगत में विरह का भी आनंद है और यहां पे बलराम जी फिर से उस होप को बरकरार रखने के लिए जाते हैं कि नहीं कृष्ण आएंगे ताकि वो आस ना छोड़े और यहाँ पे बलराम जी का है जैसे कि चैतन्य चरितमृत में हम बीच में भी सुने दो दिन पहले ही सुन रहे थे कि कैसे भगवान के अलग अलग अवतार हैं स्वयं ए ते चाम सकलाप उमसाम भगवान स्वयं भगवान कृष्ण स्वयं भगवान ओरिजिनल स्वरूप भगवान कृष्ण उसके पहले विस्तार स्वरूप जो है वो बलराम जी हैं कभु गुरु कभु सखा कभूवृत्य लीला कभु सखा कबुभृत्य लीला पूर्वे जे न भवे व्रज कैलेला पूर्वे जे न भावे व्रज आपना के भृत्य करी, कृष्ण प्रभु जाने आपना के भृत्य करी, कृष्ण प्रभु जाने कृष्ण आपना, आपना रे तो चैतन्य चरित अमृत में वर्णन है कि कभू गुरु कभी कभी बलराम जी का जो बलराम जब लीला करते हैं तो भगवान के हर लीला में वो सहायता करते हैं अपने योगदान देते हैं किस भाव में कभी कभी गुरु बनते हैं कभी गुरु कभी कभी कृष्ण को भी निर्देश दे देते हैं बड़े भाई के रूप में कभी गुरु कभी सखा कभी सखा की तरफ प्रेम करते हैं कभी उनके चरणों का मसाज भी करते हैं आलिंगन भी देते हैं उनके साधान प्रदान करते हैं कभी सखा कबू भृत्य लीला कभी एक दास के भांति लीला करते हैं भगवान बलराम जी के विस्तार स्वरूप अनंत शेष नाग भी हैं और वो भी भगवान कृष्ण की गुणगान करने में सदैव लगते हैं लगे रहते हैं न अंतम विदामी अमी मुनयो अग्रजसे माया बलस्य पुरुषस्य कुतो अवरा ये गायन दश आदि आदिदेव संवश्य नाश्य पारम अंत नहीं मिला भगवान कृष्ण की लीला करने में लीला गुणगान गिनने में गिनती करने में नहीं है अभी तक अनंत काल से अनंत शेष जो है भगवान कृष्ण की गुणगान करते आ रहे हैं उनके लीलाओं का गुणगान करते आ रहे हैं सहस्र वना करे कृष्ण गुण निरवधि गुण गणतना ही पान चैतन शताब्द यही वर्णन है कि अपने सहस्त्र फणों से अनंत शेष भी गुणगान करते हैं स्वयं बलराम जी विस्तार स्वरूप भगवान कृष्ण के श्रवण कीर्तन में लगे हुए हैं और अंत नहीं कितने समय से कुछ इसका अंदाजा नहीं कितने काल से निरवधि उनका गुणगान करते आ रहे हैं तो ये बलराम जी कभी कभी गुरु कभी गुरु जैसे हम कई बार कहते हैं कि आदि गुरु भी बलराम जी हैं इसलिए भगवान जैसी शक्ति गुरु में क्यों है क्योंकि गुरु तत्व जो है कहाँ से आता है बलराम जी से आता है इसलिए जब हम सेवा करते हैं तो पहले गुरु के माध्यम से सब सेवा दी जैसे जो बलराम जी हैं वो हर, हर सेवा में भी कोई भी सेवा जैसे हम कभी मृदंग बजाते हैं तो मृदंग भी कहते हैं कि बलराम जी का विस्तार है तो बलराम जी के बिना हम भगवान की सेवा भी नहीं कर सकते और वही बलराम जी जब नित्यानंद स्वरूप में हमको चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन में जोड़ते हैं तो ये महिमा बलराम जी की और इसमें चैतन्य चरित्रार्धन में कहा गया कि बलराम जी जो है प्रथम विस्तार स्वरूप है और उन्हीं बलराम जी से फिर अलग अलग पुरुष अवतार आते हैं लीला अवतार आते हैं युगा अवतार आते हैं मनवंतर अवतार आते हैं तो अनेक शक्त्यावेश अवतार आते हैं तो बलराम जी के विस्तार बाद में चतुर्व्यू वसुदेव संकर्षण प्रद्युम्न अनिरुद्ध और फिर सेकेंडरी एक्सपांशन फिर से कोड्रापल एक्सपांशन जिसमें है फिर संकर्षण से सभी ये अलग अलग अवतार तो ये टेक्निकल डिटेल्स आपको चैतन्य चैतन्यशत में मिलेगा तो यहाँ पे इस लीला में आप देखेंगे कैसे बलराम जी को भी प्रार्थना कर रहे हैं कौन प्रार्थना कर रहे हैं स्वयं यशोदा माता और नंद बाबा यहाँ पे प्रार्थना कर रहे हैं कि हे दशा दशारह वंशज हे ब्रह्मांड के स्वामी तुम तथा तुम्हारे छोटे भाई कृष्ण सदैव हमारी रक्षा करते रहो देखिए एक तरफ से बोल रहे हैं कि रक्षा करें उनको क्या बोल रहे हैं भगवान जैसे मान रहे हैं ब्रह्मांड के स्वामी ऐसे कोई ब्रह्मांड के स्वामी है तो क्या उनको गोद में थोड़ी बिठाएंगे तो ब्रह्मांड के स्वामी है जब ऐश्वर्य भाव से जब किसको देखा जाता है तो वो इतना इंटीमेट भाव नहीं आ जैसे वसुदेव देव की वसुदेव जो और देव की माता जब भगवान कृष्ण और बलराम को जब देखें और जब उनको कारागर से छुड़वाया गया, जब कंस का वध करने के बाद तभी वो प्रणाम कर रहे हैं कुछ समय के लिए वो आगे भी नहीं आ रहे हैं उनको आलिंगन देने के लिए जब योग माया द्वारा जब भगवान कृष्ण ने उनके ऐश्वर्य को ढकते हैं उनको भ्रमित कर देते हैं अरे कि बाबा ऐश्वर्य भाव अगर आ गया तो वो माता पिता की तरफ प्रेम नहीं कर सकते इससे योग माया योग यानी भगवान से जुड़ना माया यानी भगवान को भूलना पर यहां पे योग माया का अर्थ क्या है भगवान की भगवत्ता को भूल जाना हालांकि भगवान से इंटिमेट संबंध रखे हैं पर भगवान की भगवत्ता को भूल जाना यही गोपियों के साथ भी जब अप्रकट है जब भगवान कृष्ण मंडल से अप्रकट हो जाते हैं तभी उनको विष्णु बोल देते हैं कई बार हा? नखलु गोपिका नंदनो भवा आप यशोदा माता के पुत्र नहीं है आप नंद बाबा के पुत्र नहीं है अखिल दे ही नाम अंतरात्मद्रिक आप सभी जीवों के परमात्मा है सभी जीवों के हृदय में बसे हुए परमात्मा है तो ये ज्ञान है ना पर जैसे भगवान कृष्ण आ जाते हैं योग माया के द्वारा उनकी भगवत्ता को भूल जाते हैं और यही आप देखेंगे कभी कभार देखते हैं कि उनको भगवान भी बोल देते हैं और उसमें में भी बिठाते थे एक समय पर तो ये बहुत ही इंटरमेट संबंध जिसमें आप देखते हैं यशोदा माता इतना प्रेम करते हैं और यहां पे कहते क्या है कि तुम तथा तुम्हारे छोटे भाई कृष्ण सदैव हमारी रक्षा करते रहो ऐसे वृंदावन वासी भी जब जब भारी वर्षा होती है इंद्र के कोप के द्वारा इंद्र के द्वारा तभी किसकी किसकी याचना करते हैं वो भगवान कृष्ण की करते हैं और वही आप देखेंगे यहाँ पे यशोदा माता भी रक्षा करने की बात तो ये कभी नहीं समझना चाहिए कि वो शरीर की रक्षा मांग रहे लग सकता है कि नहीं हमारी शरीर की रक्षा अगर ऐसा है तो फिर वो तो वो शरीर स्तर पर है ही नहीं वो तो ध्यान ही नहीं दे रहे खाना पीना कुछ पता ही नहीं है जब से भगवान कृष्ण गए हैं पूरा स्केड्यूल उनका पूरा खाना पीना का सब डिस्टर्ब हो चुका है गोपियां हो ब्रजवासी हो तो अगर शरीर चेतना होती तो शरीर का ध्यान देते हैं जैसे हम हैं ना ऐसे हम शरीर का ध्यान देते हैं कामज से नहीं लाभ हो जीवित ठीक है शरीर का तो ध्यान देना पड़ता है हमें वो चेतना भी है हम कॉन्शियसली ध्यान देते हैं इतना प्रेम में नहीं कि हम शरीर भूल जाते नहीं ऐसा होता नहीं है पर इनका सर क्या है वो शरीर सर को भूल गए हैं तो ये जब रक्षा की बात आती है कभी नहीं समझना चाहिए कि ये शारीरिक रक्षा की अभिलाषा कर रहा है कि मेरी हमारे शरीर की रक्षा जैसे कई नरसिम्ह कवच जब कोई बोलते हैं ना तो इसमें है ना जले वक्षतु वराह स्थले रक्षतु मामन भक्त लोग आते हैं मतलब बोलते है, इसका उच्चारण करते हैं कि शरीर का रक्षण करने हर एक अवयव के लिए हम भगवान नरसिमह को प्रार्थना करते हैं कोई बुरा चीज नहीं ठीक है मतलब देवी देवताओं से प्रार्थना करने से अच्छा है कि भगवान को कम से कम हम ये ढोंग तो नहीं कर रहे कि हम शरीर स्तर पर नहीं शरीर स्तर पर है ठीक है प्रार्थना कर लिए पर ये उन्नत स्तर नहीं है एकदम इसको उन्नत स्तर नहीं बोलेंगे कि शरीर की रक्षा के लिए हम जो भगवान को प्रार्थना करते हैं ना बार बार कई भक्त लोग किए हैं भक्तों की अलग अलग श्रेणियां हैं भागवत में भी देखते हैं कि शरीर रक्षा के लिए प्रार्थना किए हैं कई लोग प्रार्थना किए भी नहीं है फिर भी भगवान उनके शरीर की रक्षा किए हैं मत प्राण रक्षणम अनुर्वध मने स्वभृत्य वाक्यक्यम विधा खडग प्रगृह्य सद अवचद विदिशुवामीश्वरो मदपरवतुक हरा प्रहलाद महाराज भगवान नरसिंह प्रार्थना करते हुए कहते हैं मत प्राणम रक्षणम अनंत मेरी प्राण के रक्षा किसने की अनंत भगवान विष्णु ने की नरसिंह भगवान ने की मत प्राण रक्षमन अनंत पितुर कैसे की मेरे पिता का वध करके ऋषि वाक्यम मुझे मेरे मत से लगता है मनने स्वक्त ऋषि वाक्यम रितम विधातुम कि नहीं मेरे लिए नहीं सत्यम विधातुम निज भृत्य, भृत्य भाषितम हो सकता है कि भागवत में लिखा है कि प्रहलाद के वचन पूर्ति के लिए भगवान आते हैं पर स्वयं प्रहलाद प्रहलाद महाराज इस बात को नहीं मान रहे क्या मान रहे वो कि मेरे मत से नारद मुनि के वचन की रक्षा करने के लिए आए क्योंकि नारद मुनि ने कहा ना कि भगवान सदैव रक्षा करते हैं भगवान अपने भक्तों की रक्षा करते हैं सभी आचार्यगन यही कहते हैं ना अवश्य रक्षिबे कृष्ण विश्वास पालन कि आचार्य कहते हैं कि भगवान रक्षा करता है ना माता पिता के समक्ष पुत्र की मृत्यु हो जाती है माता पिता समझ माता के गोद में क्यों ना हो पुत्र फिर भी मृत्यु हो सकती है बाल स्नेह शरणम पितरव नरसिंह डॉक्टर के देख डॉक्टर के सामने है पेशेंट मरता है कि नहीं मरता है गारंटी बोल सकता कि डॉक्टर जब तक सामने पेशेंट नहीं मर सकता नहीं ऐसा नहीं है नाव होते हुए भी व्यक्ति डूब सकता है नारत चागद स्तस्तावद मजनो तपत श्रेष्ठ विभूत भगवान जब तक चाहेंगे नहीं तब तक कोई जी से। भगवान चाहेंगे इसको मरना तो मर जाएगा तुम सर्वेश्वरेश्वरा व्रजेंद्र कुमार तुम्हारी छाया विश्व सृजन संहार भगवान कृष्ण के इच्छा से इच्छा मात्र से सृजन और संहार हो जाता है अगर क्रिएशन डिस्ट्रक्शन मेंटेनेंस अगर भगवान की इच्छा मात्र से हो सकता तो हमारा फैमिली के संसार के बाहर है श्री श्री राधारास बिहारी भगवान की श्री श्री भगवान की श्री सीताराम लक्ष्मण भक्त हनुमान की श्री प्रभुपा देखी जैसे भगवान कृष्ण की इच्छा से अगर सृजन संवार होता है सृष्टि का तो ये सृष्टि के अंदर हमारी फैमिली नहीं आती क्या तो हमारे फैमिली का सृजन संवार किसके हाथ में है वो भी कृष्ण के हाथ में और फिर हमारा जीवन वो भी किसके हाथ में कृष्ण के हाथ में भक्ति की उन्नत स्थिति इसमें है कि किसकी श्रद्धा कितनी पक्की है श्रद्धा के स्तर पर गिना जाता है कोई व्यक्ति उत्तम स्तर पर है कोई मध्यम स्तर पर है कोई कनिष्ठ स्तर पर श्रद्धा के विभाजन नहीं है किसके अतुट श्रद्धा है भगवान पर उन्नत स्तर पर वो इसे प्रहलाद महाराज कहते कि मैंने तो स्वयं प्रहलाद महाराज ने तो पुकारा नहीं ना भगवान को कहा पुकारा कि भगवान मुझे बचाइए मेरे शरीर की रक्षा करिए तो बोला नहीं फिर भी भगवान आ गए मत प्राण रक्ष अन पितुर्वध पिता का वध कर दिया पिता तो कह रहे थे ना खड़ग अपना अस्त्र लेकर प्रहलाद महाराज को डराने का प्रयास कर रहे हैं कि कहां पे मुझे छोड़कर तुम किसी और को मानते हो भगवान आ, कहां पे तुम्हारा भगवान मद परो वह तू कम हरामी आ, देखते हो आज तुम्हें कौन बचाता है जिसकी पक्ति करते हो ना वो बचाने आएगा क्या जैसे कभी कभार हमको भी लोग कहते हैं कि भोजन को भगवान देंगे काम नहीं करेंगे तो भोजन नहीं मिलेगा है ऐसे तो बताया जाता है ना कई बार नीतिकार कहते हैं क्या नीति नीति सर तो धर्मशास्त्र के नीचे नीति नीति शास्त्र है पर नीति शास्त्र में भी कहते हैं भोजन अच्छा देने चिंता वृथा करवंती वैष्णव आयो अस्य विश्वंभर प्रभु भक्ता नाम किम उपेक्षिता हमारे प्रभु विश्वम्भर है विश्व का भरण पोषण करते हैं पूरे विश्व का भरण पोषण किसके हाथ में है सर्वलोक का नाथम भगवान विष्णु के हाथ में भगवान कृष्ण है अगर पूरे विश्व का भरण पोषण का पूरा दायित्व उनके हाथ में है क्या भक्तों को त्याग देंगे वो भक्ता नाम किम उपेक्षित अस्य विश्वभर मेरे प्रभु विश्वम्भर है भोजन छादन चिंता वृथा कुर वैष्णव वैष्णव के लिए भोजन छादन कपड़ा वस्त्र भोजन शेल्टर इत्यादि कभी चिंता नहीं करनी चाहिए चाहिएकार कहते हैं यहाँ पे स्वयं भगवान भगवदीता में कहते हैं तेज सततयुक्ता अनन चिंतन मम ये जन परस तेजा निथ्याभ योग क्षेम वहाम्यम जो भी कमी है पूरी कर देता हूं जो भी अच्छा है उसको मेंटेन करता है भगवान तो प्रहलाद महाराज ने तो प्रार्थना नहीं की उनके शरीर की रक्षा के लिए कभी प्रार्थना नहीं की पर फिर भी भगवान उनकी रक्षा भगवान की इच्छा है ना कि प्रहलाद महाराज जिए मारो भी राखो भी जो इच्छा तुम्हारे तो भक्त का ये शरणागति यही है कि मेरा प्राण भी आपके हाथ में जिलाना है जिला दीजिए मारना है तो मार सकते हैं आश्लिष्य सेवा पादरता पिनष्टुमा अदर्शनाम वर्मो तो करो तो वा यथाथा सिद्धातु लंपटो मत प्राण नाथ आपकी जो भी इच्छा है आप मेरे प्राणना तो रहेंगे आपकी कोई निर्णय से मेरा तो निर्णय नहीं बदलने वाला कि ठीक है आपने मुझे मदद नहीं किया तो मैं आपकी भक्ति नहीं करूंगा ये नहीं अहेतु की भक्ति है ना कोई हेतु नहीं है एक में एक ही हेतु भगवान कृष्ण को प्रसन्न करना अप्रतिहता आज अच्छी तरह से किया सेवा कल नहीं होगा परसों फिर अच्छी तरह से किया दो दिन फिर मन नहीं लगा नहीं ये प्रतिहता है अप्रतिहता भक्ति है कोई भी मटेरियल कंडीशन मुझे बाध्य नहीं कर सकती भगवान या भगवान कृष्ण सेवा से मुझे रोक नहीं सकती इसी भक्ति से आनंद मिलने वाला है अगर ऐसी भक्ति नहीं करेंगे अहेतुकी और अप्रतिहता यह या यात्म सुप्रसिद्ध थी सवय पुंस पर धर्म य तो भक्ति रधोक्ष जे जी के कितने लेक्चर्स हैं इसी वर्ष पर और हर लेक्चर में अलग अलग पॉइंट्स में प्रभुपात बोल रहे हैं। कुछ ना कुछ इतना सुंदर बोलते हैं कि आनंद चाहिए तो यही है यही सूत्र है भगवान कृष्ण से प्रेम करना भक्ति और कैसी भक्ति करना है अहेतुकी अप्रतिहता कई बार होता है ना कि थोड़ा प्रॉब्लम शारीरिक स्तर थोड़ा प्रॉब्लम आ गया तो तो थोड़ा हमारा मन नहीं करता है ठीक है चैंटिंग करने में मन आज मन नहीं है तो अच्छी तरह से नहीं करेंगे अब मन है मन एकदम मूड है मूड अच्छा बना है तो अच्छी तरह से करेंगे नहीं मूड हो मूड नहीं हो कुछ नहीं लेना देना उससे हम भौतिक लोग देखते हैं ना आप कैसे बोलते हैं कि कि मूड नहीं है आज काम करने का जो आज छुट्टी मार देता हूं जो पाँच दिन में जो मूड नहीं आ रहा है तो पाँच दिन में काम पे नहीं जाऊंगा ऐसे होता है क्या आज मूड नहीं है तो थोड़ा कम काम कर देता हूं ऐसे होता है नहीं वहां पे नहीं ऐसे हो सकता है। कभी माता कहती है कि आज मूड नहीं आज आज भोजन नहीं बनाएंगे आज बहुत गर्मी हो रही है कौन नहीं अंदर एसी भी नहीं है किचन में क्यों भोजन बनाए नहीं मूड के ऊपर नहीं है कर्तव्य समझ के करता है नहीं ये तो करना ही है ममता म, म ता, जब मेरी भावना आती है ना वहां पे कि मेरे बच्चे मेरे पति तभी उनके लिए हर वो जोखिम उठाने के लिए तैयार हो जाते उसी प्रकार जब मेरे भगवान जब ये भावना आ जाती है ममता आ जाती है कि मेरे कृष्ण हैं, मेरे वैष्णव हैं इसको मेरी संस्था हमारी संस्था है जब ये ममता भावना आती है तभी हर वो जोखिम हर वो कार्य तैयार करने के लिए हम तैयार हो जाते हैं भले दुख क्यों ना दें नगानिपन दुख तार महा सुख तार सुख जदि दिया मोर दुख तार महासुख से दुख मोर सुख श्री चैतन्य चरितमृत के लीला में शिक्षाष्टकम के अध्याय में यहां पे अनुवाद करते करते कृष्णदस कविराज गोस्वामी इस पद को कहते हैं कि नगानी गोपियों का यह भाव है महापुरुष इसका उच्चारण कर रहे हैं महापुरुष इसको अनुभव भी कर रहे हैं नगानी आपन दुख मेरी अपने मैं अभी कभी भी अपने दुख का बखान नहीं करता किसी के सामने नगानी गानी आपन दुख मुझे आई एम नॉट एट ऑल कंसर्न अबाउट माई मिजरी तार है महासुख में सदैव भगवान कृष्ण की प्रसन्नता उनके सुख के लिए सदैव चिंतन करता रहता हूं तार सुख आमारा तात्पर्य मेरे जीवन का लक्ष्य मेरे जीवन का सार एक में भगवान कृष्ण का सुख है ये सिद्धांत ये हायर एडवांस स्टेज यही यही लक्ष्य है जीवन का कभी हो सके कि भगवान कृष्ण को मुझे दुख में अगर आनंद भी मिल जाए हो सके हो सकता है अगर ऐसे कि मुझे दुख देने से कृष्ण को आनंद मिल जाए सुख मिल जाए वही दुख मेरे लिए क्या बन जाएगा वो सुख हो जाएगा ये गोपियों की सुख की परिभाषा प्रेम की परिभाषा वही यहां पे प्रहलाद महाराज के देखते हैं कि अपने प्राण की रक्षा के लिए चिंता नहीं फिर भी भगवान कृष्ण रक्षा करने के लिए तैयार हो जाते हैं एक तरफ चैतन्य भागवत में एक लीला आती है जिसमें महाप्रभु हर एक भक्त को इंगित करके कहते हैं तुम्हें स्मरण है मैंने तुम्हें कैसे बचाया था एक भक्त को पकड़ते कहते हैं कि भूल गए तुम कि तुम्हें इतनी ज्वारा हुई थी इतना हाई फीवर था तुम्हें इतना तुम कांप रहे थे एक विप्र तुम्हारे सामने तुम्हारे पास आके बैठ गया था कुछ उपचार किया होगा वो विप्र कौन था मैं था, कहते फिर उसके बाद हैं गंगादास पंडित को पकड़ते हैं जो महाप्रु को पढ़ाते थे, थे पहले बचपन में गंगादास पंडित को बोलते हैं कि, कि तुम्हें स्मरण है तुम्हें एक दिन एक रात को जब तुम भागे चले जा रहे थे अपने फैमिली के साथ और तुम्हें भय था कि मुगल लोग तुमको पीछा कर रहे हैं मुसलमान लोग तुम्हारा पीछा कर रहे हैं और तुम्हारे फैमिली को कष्ट पहुंचाएंगे पत्नी को अथवा तुम्हारे बच्चे को लेके चले जाएंगे और तुम भय से दौड़ते दौड़ते चले जा रहे थे और नदी को पार करना था और कोई नाविक नहीं है ना कोई नाव दिख रही है ना कोई नाविक दिख रहा है और तुम इतने भयभीत हो रहे थे और मुझे प्रार्थना कर रहे थे कृष्ण प्लीज कुछ भी करिए इस स्थिति से हमको बचा लीजिए भक्त का ये स्वभाव है कि सुख हो या दुख हो सुख में भी भगवान कृष्ण के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हैं दुख में भी भगवान कृष्ण की प्रार्थना करते हैं अग्नि गुरुणाम यथा पांडुवा दुशासने नारित वस्त्र कृष्णा तदाक्रोश दाथा गोविंद दामोदर माधवे कुरुओं की सभा में कौरव की सभा में जब द्रौपदी माता का वस्त्र खींचा दुशासन के द्वारा खींच खींच रहा था खींच रहे थे और तभी कौरव लोग आनंद लुट यहाँ पे आनंद सेलिब्रेट कर रहे थे वो लोग और पांडव लोग छुपते हैं उस समय पे उस समय पे आक्रोश से किसको पुकारते हैं वो भगवान कृष्ण को पुकारते हैं हे कृष्ण हे माधव और फिर भगवान कृष्ण उनको रक्षा करते हैं तो यहाँ पे शरीर की रक्षा नहीं यहाँ पे उनकी मान की रक्षा है तो भगवान कृष्ण रक्षा करते हैं कभी कभी श्रद्धा की रक्षा करते हैं कभी कभी रख्ष... शरीर की रक्षा करते हैं कभी कभी आत्मा का उद्धार गजेंद्र मोक्ष में आप देखेंगे एवं व्यवसिता बुद्धा समाधाय मनो जापम जाप्यम प्राग जन्म अनुशिक्षितम पूर्व जन्म में जो प्रार्थनाएं उन्होंने सीखी थी गजेंद्र ने वही प्रार्थना को वो रिसाइट करते हैं और प्रार्थना को रिसाइट करने के बाद स्वयं भगवान विष्णु इनकी रक्षा करता है कैसी रक्षा करते हैं शरीर तो नष्ट हो जाता है पर उनका उद्धार करते हैं जीव का उद्धार करते हैं तो भगवान कृष्ण का निर्णय लेता है शरीर की रक्षा करनी है या नहीं करनी है और कब तक रक्षा करेंगे जा तस् ध्रुव मृत्यु ध्रुवम जन्म इस संसार में आप देखेंगे आचार्य लोग भी दिखाते हैं कि कैसे शरीर त्याग करना है शरीर का बचाव करने जीवन का लक्ष्य है ही नहीं जब तक है भगवत भगवत भक्ति में हमको कॉपरेट करना भग, भगवत गति में काम आता है उसका हम उपयोग करते हैं पर कभी ना कभी तो त्यागना पड़ेगा तो ये ज्यादा कंसर्न कि शरीर की रक्षा हो सिर्फ शरीर की रक्षा हो नहीं नहीं ये भगवान के ऊपर छोड़ देना चाहिए शरीर की रक्षा करनी है नहीं करनी तो वैसे गंगादास पंडित अपनी फैमिली के लिए चिंता थे कि नाविक नहीं है कोई नहीं प्रार्थना कर रहा है भगवान कृष्ण को महाप्रभु कहते हैं मुझे अभी भी स्मरण है तुमने प्रार्थना की थी और फिर तुमको कुछ देर के बाद एक नाविक दिखा था और तुम उस पर एकदम प्रार्थना कर रहे थे प्रणाम कर रहे थे कि हे नाविक मेरा प्राण जो है तुम्हारे हाथ में है अभी तुम जो मांगूंगा मैं दूंगा आपकी बार सिर्फ नाव पार करा रो इतना ही नहीं थोड़ा डबल दे दूंगा साथ में धोती यमुना स्टोर से धोती कुर्ता भी <laughs> इतने क्योंकि प्राण जब संकट में आए ना तो सबको मामा किसको भी मामा बना सकते हैं महापुरुष स्मरण है तुम्हें वो नाविक कोई और नहीं पार करके दिया था ना वो कौन था वो मैं ही नाविक बन के आया था नहीं तो इतने मध्यरात्र में कौन तुम्हारे नाविक बन के आएगा तो महाप्रभु बतलाते हैं कि कैसी रक्षा करते हैं अप, अपने भक्तों की श्रद्धा की जब मुरारी गुप्ता दुखी थे महाप्रभु तो कृष्ण का गुणगान करते हैं मुरारी गुप्त को यह टेंशन था कि अरे कृष्ण का तो मेरी अनुरक्ति तो सदैव राम जी के प्रति है और अभी कृष्ण के प्रति और मैं तो उनके निर्देश का उल्लंघन नहीं कर सकता किन के महाप्रभु का अब महाप्रभु का निर्देश का उल्लन करना तो अपराध है और मैं राम जी को छोड़ नहीं सकता अभी करूं तो क्या करूं ऑप्शन तो एक ही सोचते हैं कि अभी एक ही है पर्याय शरीर ही त्याग दे, त्याग देता उससे अच्छा अपना अपने, अपने आप को आत्मत्याय कर लेता हूं तो जो छुरा है वो रखते हैं अपने जहां पे शयन करते हैं उसके नीचे वो छुरा को छुपा देते हैं महापुरु आ जाते हैं उनके मिलने को मुरारी गुप्त को मिलने के लिए आ जाते है। मुरारी गुप्ता क्या सोच रहे तुम? अपने प्राण खुद लोगे? किसने अधिकार दिया तुम्हें महाप्रु जान लिए परमात्मा है स्वयं भगवान है अपने भक्त के मन में क्या चल रहा है वो जान लेते हैं जिस प्रकार सनातन गोस्वामी जब जगन्नाथपुरी में थे और सोच रहे थे कि अरे शरीर शरीर में तो कोड हो चुका है और ये शरीर तो इतना दुर्गंध है शरीर में अभी और भगवान की सेवा के लिए योग्य नहीं है ये शरीर अगर किसी वैष्णो के पास में जाऊंगा वैष्णव को परेशानी हो जाएगी इसलिए वैष्णव से भी दूर चल रहे हैं जहां से वैष्णव चल रहे वहां से नहीं चलेंगे कोई और पथ से वो चलते थे जो लॉन्ग कट है नंगे पैर चल रहे मन में विचार किए कि अभी प्राण देना ही ठीक है प्राणों की रक्षा करके अभी कुछ लाभ नहीं है वैसे तो भगवान की सेवा में तो शरीर नहीं आ रहा है तो रथ के नीचे आ जाता हूं आज भी कुछ लोग सोचते हैं अभी भी जगन्नाथपुर में इसलिए पुलिस से पूरा सिक्योरिटी रहता है वहां पे कि रथ के नीचे आके हम आत्महत्या क्योंकि ये श्रद्धा है कि रथ के नीचे आएंगे तो हम भगवत धाम चले जाएंगे शॉर्टकट हम लोग को नहीं अपनाना चाहिए ऐसे शॉर्टकट तो फिर सनातन गोस्वामी जब ऐसे विचार ही कर रहे हैं कि प्राण रख के कुछ लाभ नहीं है रथ के सामने आज के अपने प्राण को ही त्याग दू महाप्रु रोक देते महाप्रभ कहते सनातन क्या सोच रहे हो ये शरीर किसका है भूमि रपो नलो वायु खम मनोबुद्धि एवच पंच तत्व का है धरती अग्नि जल वायु आकाश फिर उसके बाद मन बुद्धि अहंकार भिन्न प्रकृति अश्रदा यह शक्ति मेरी है भगवान कृष्ण स्वयं कहते हैं ये कृष्ण का शरीर है ना ये शरीर मेरा है ये शरीर तुम्हारा अधिकार उस पर नहीं जैसे मान लीजिए कुछ चीज़ अपनी है तो हम बनाएंगे ना उसको कि हमारे चॉइस है कुछ इसमें किसी का शरीर काला है किसी का गोरा है किसी का मीडियम कॉम्प्लेक्शन का है कोई अमीर परिवार में जन्म लेता है कोई मिडिल क्लास में लेता है कोई हमारा चॉइस थोड़ी है उसमें हाँ कर्मों का चॉइस रहता है पर वो भगवान के ऊपर रहता है कर्मणा दैव नेत्र तो जब भगवान कोई चीज दे रहे हैं धरती अग्नि जल वायु उनकी शक्ति है तो हमारा अधिकार नहीं इसलिए करना गुना माना जाता है यहां तक कहते हैं कि गवर्नमेंट भी उसको गुना मानता है करना कई लोग ट्रेन में उड़ी कूदते अपना देह त्याग करते हैं बॉडी क्लेम करने के लिए फाइन भरना पड़ता है रिलेटिव को क्या लगता रहेगा उनको कि बॉडी क्लेम करना एक तो दुख ये है कि वो गया व्यक्ति है साथ में फाइन भी भरना है क्योंकि तुम्हारे वजह से क्या हो गया तुम तो जान दी है साथ साथ में इधर ट्रेन का ट्रैफिक हो गया उधर परेशान करके गए गुना है आत्महत्या करना तो बहुत बड़ा गुना है क्योंकि आपको कोई अधिकार नहीं है ना किसी और के देह को नष्ट करना नहीं अपने देह को नष्ट करना सनातन गोस्वामी समझेंगे नहीं नहीं महाप्रभु कहते हैं कि नहीं और तुरंत आलिंगन करते हैं सनातन गोस्वामी को और सनातन गोस्वामी ये क्या कर रहे हैं महाप्रभु महाप्रभु थोड़ा कुछ है शुद्ध अशुद्ध कुछ नहीं है तो भगवान जब रक्षा करने की बात आती है तो भगवान किसी के शरीर रक्षा कर सकते हैं किसी की श्रद्धा का रक्षा करते हैं किसी की मान की रक्षा करते हैं यहाँ पे यशोदा माता और नंद बाबा भी कहते हैं कि रक्षा करने के लिए ये भाव अलग है इसे अलग अलग भक्तों के अलग अलग श्रेणी के अलग अलग भाव जैसे कुंती महारानी भी कहते हैं रक्षा करने के लिए अथ विश्वेश विश्वात्मन विश्वमूर्ते स्वकेशु में स्नेह पाशम इदम छिन्धी दृढ़म पांडुषु वृष्णिषु हे विश्वेश हे विश्वात्मन मेरी जो आसक्ति मेरा जो स्नेह बंधन है पांडवों के प्रति रिश्न के प्रति क्योंकि क्या है वो चाहते हैं कि भगवान कृष्ण रहे पर भगवान कृष्ण अगर पांडवों के साथ रहें तो द्वारिकावासी क्या हो जाएंगे उनको तो दुख हो जाएगा ना उनको विरह का दुख झेलना पड़ेगा अगर आप द्वारिका जाएंगे मैं कहूँगी आप विष्णुओं के साथ रहे तो पांडव लोग दुखी हो जाएंगे तो दोनों तरह से मुझे तो दुखी मिलेगा ना तो यह आसक्ति है ना

ये स्वभाव है जैसे हमको जब रक्षा करने की बात आती है हम पहले अपना प्रयास करते हैं अपने बल पर हम रक्षा करने का प्रयास करते हैं, अपनी रक्षा फिर कभी कभी होता है कि हम फैमिली को कॉन्टैक्ट करते हैं रिलेटिव को कॉन्टैक्ट करते हैं अपने सूर्यदों को कॉन्टैक्ट करते हैं सूर्य तो है नहीं असली कोई जो सो कॉल्ड फ्रेंड्स हैं उनको कॉन्टेक्ट करते हैं भागवत ये कहता है ये कर्मी लोगों के स्वभाव है देहापत्य कलत्र आदिशु आत्मसैन्य ेशा प्रमत्त निध्यान पश्चन अपनी न पश्च्य दिखता है असत लोग हैं सत नहीं है ये असत लोग हैं रिलेशन है, इनके प्राण का कोई गारंटी नहीं है इनकी रक्षा का कोई गारंटी नहीं वो कहेंगे कि हम रक्षा करेंगे आपकी ऐसे कभी पति कहता है पत्नी से तुम टेंशन मत लेना मैं हूं पत्नी शायद से मन में बोलते कि इसका ही तो टेंशन है पिता भी कहता है ना बेटे को कभी कभी तुम टेंशन मत लेना मैं हूं इसे जू में जब जाता है तो शेर को भी डराने का प्रयास प्पा है ना ये तो प्पा को टेंशन आ रहा है पर शेर को देख <laughs> पर बता नहीं सकता बेटे के सामने तो हीरो है ही ना <laughs> पर थोड़ा बेटा बड़ा हो जाता है पता चलता है पापा को जीरो हीरो नहीं है <laughs> नहीं जैसे बचपन में ना आप देखें ये स्वभाव रहता है कि पापा को हीरो मान बैठते हैं छोटी छोटी बेटियां भी रहती है ना वो पापा को मेरे पापा सुपरमैन है पता चलता है बाद में कुछ देर के बाद घर में क्या हालत होती पापा की <laughs> क्या सुपरमैन है फिरी ऑफिस है? में कितना टेंशन उनको होता है कितने बहुत चिल्लाते हैं पता चलता है कि पापा कुछ रक्षा करने वाले हैं बाद में उनका जो फेथ है किसी और पर आ जाता है हमारा जो फेथ जिस विषय वस्तु पर हम जो विश्वास श्रद्धा करते हैं ये बदलती रहती है बीच में स्टोरी आती थी ना कि वॉलेट की एक एक व्यक्ति का वॉलेट था उसमें फोटो बदलते रहता है बचपन में फैमिली के पापा का फोटो था बाद में थोड़ा बड़ा होने के बाद अपने फ्रेंड्स का फोटो डालता है बाद में पत्नी का फोटो डालता है बाद में बच्ची का फोटो डालता है श्रद्धा का जो विषय वस्तु सदैव बदलते रहता है क्योंकि विषय वस्तु जो है वो नित्य नहीं है ना स्मरण नित्यम अनित्यतम चाणक्य पंडित इसलिए सदैव इस बात को कहते हैं कि सदैव स्मरण करना चाहिए ये संसार अनित्य है संसार के जो जीव है ये संबंध है यह अनित्य है इसलिए त्याज दुर्जन सर संसर्गम भज साधु समागम करो पुण्य इसे दुर्जन व्यक्तियों का संग को त्याग देना चाहिए सत्संग सत जो व्यक्ति हैं भगवंत भक्त हैं उनके संग में आना चाहिए श्रवण कीर्तन इसका आस्वादन लेना चाहिए इसलिए कर्मी लोगों का सदैव फेत किस पर रहता देह आपत्य कलत्र आदिशु पत्नी पर बच्चों पर संबंधियों पर पश्चना पिना दिखता है कि अरे यही लोग धोखा देते हैं कई बार कितनी बार धोखा देने दीजिए फिर भी उनका विश्वास उन पर ही ज्यादा कुछ प्रॉब्लम आए तो शेल्टर उनका ही लेंगे नहीं भगवान नहीं पर भक्त का स्वभाव कैसे है कुछ भी होने शरण सदैव भगवान कर लेंगे लें। प्रहलाद महाराज दिखाते हैं कि कैसे सदैव भगवान के स्मरण में उनके फैमिली ही उनका दुश्मन उनका पिता ही दुश्मन उनके भगवान ही उनके असली पिता इसे पिता का वध करते वक्त भी पिता का वध उनके समक्ष हो रहा है फिर भी विरोध नहीं किए हार लेके खड़े हैं, जैसे हम भक्त स्वागत कि भगवान भक्त आए हैं तो हार ले ऐसे हार लेके खड़े भगवान आ गए हैं, कभी वध करेंगे अभी मैं उनको हार पहनाऊंगा ये भक्त का स्वभाव है भक्त सदैव जब रक्षण की बात आती है तो सदैव भगवान को ही एकमात्र भगवान पर ही आस लगाते हैं भगवान ही मेरे रक्षण करता है तुमी तो रक्षकारा पालक मारा तोमार चरण विना आशा नहीं यार तुमी तो रक्षकारा अमा

निर्भर करिया निज बल चेष्ठा प्रति भरसा छड़िया तुम्हारी छाया निर्भर करिया भकाति विनोदाति दिना किञ्चना तुमरी छाया तवा जीवनमरना भकाति दिना किञ्चना ुमारीच्छाय तव जीवनमरणा तुम्ही, तुम्ही सर्वेश्वरेश्वर ब्रजेन्द्र कुमार तुम्हारी छाया विश्वे सृजन तुम्ही सर्वेश्वरेश्वरा व्रजेन्द्र कुमारीच्छाय विश्वे सृजन संहा हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 श्री भक्ति विनोद ठाकुर जी इस भजन में कहते हैं कि निज बल चेष्टा छाड़ी जब आपकी इच्छा से सृजन होता है आपकी इच्छा से संहार होता है आपकी इच्छा से ब्रह्मा जी अगर सृष्टि करते हैं आपकी इच्छा से विष्णु पालन करते हैं आपकी इच्छा से शिव जी संहार करते हैं आपकी इच्छा से जीव जन्म और जीव का जन्म और मृत्यु होता है हर चीज अगर आपकी इच्छा से होता है तो मैं अपने बल पर विश्वास ही क्यों करूं निजे निजे निज बल चेष्टा प्रति भरोसा छाड़िया हमारा प्रॉब्लम क्या है सबसे ज्यादा कि हमको अपने आप पर विश्वास रहता है, है प्रश्न जब उठाता कि अंगद भी पार कर सकते थे अंगत भी समुंदर सागर को लांग सकते थे हनुमान जी भी सागर को लांग सकते थे पर अंगध जी अंगद ने क्यों नहीं पहले आके लांग के फिर से क्योंकि और हनुमान जी लांग लिए और वापस भी आ गए फर्क क्या है अंगत को विश्वास था बल पर पूरा विश्वास था जो उनको बल प्राप्त हुआ है वो कर सकते हैं पर लौट आएंगे कि इसकी गारंटी नहीं पर हनुमान जी पर किसके बल पर विश्वास था किनके बल पर श्री राम जी के बल पर हालांकि सब सिद्धियां हैं उनके पास उनको ज्ञात भी करवाया पर फिर भी इतनी योग्यता होने के बावजूद अपने आप को अयोग्य समझना यह शुद्ध भक्त का लक्षण है वही हमको अपने प्रयास प्रयास तो करना है प्रयास छोड़ते नहीं है कर्मण ने व अधिकार फलेश कर्मण करने का अधिकार है हम तो कर्म करेंगे अधिकार दिया है प्रयास नहीं छोड़ेंगे पर जब रिजल्ट की बात आती है तो भगवान पर फेत है भगवान पर विश्वास भगवान पर शरणागति भगवान के ऊपर इच्छा भगवान के ऊपर पूरा फेत इसलिए अपने बल चेष्टा पर विश्वास ने भक्ति विनोद ठाकुर जी दीन अकिंचन, अति दीन अकिंचन, तुम इच्छा है तब जीवन मरण पूरी तरह जो पावर ऑफ अटोनिक किसके हाथ में थी, भगवान कृष्ण के हाथ में हरे कृष्ण श्री चैतन्य महाप्रभु की शिल प्रोपाध्य ग्रंथराज श्रीमद भागवतम की हरे कृष्ण किसी कुछ प्रश्न है पूछ सकते हैं कमेंट अगर प्रभु जी को हरे कृष्णा आदमी को शादी से पहले स्पाइडरमैन जैसा है और शादी का अर्ली डेज में सुपरमैन जैसा है और शादी के कुछ साल के बाद डॉबरमैन बन जाता है बहुत बहुत धन्यवाद प्रोजी जी बहुत अच्छा क्लास है एक प्रश्न है कि कृपा कृपा का क्या डेफिनेशन होता है प्रोजी? जी अभी मैं भौतिक बुद्धि बुद्धि से हम सोचते हैं कि मेरे पास हज़ार रुपया है किसी को सौ रुपया चाहिए मेरे पास ज़्यादा है तो मैं दे देता दे हूँ उनको रास्ता में कभी कभी बिकारी आता है वो बिना बीक मांगे मेरे पास ज़्यादा चॉकलेट्स है उनको दो तीन चॉकलेट दे देते हैं। so, कृपा मतलब चैतन्य महाप्रु तो कृपा निधि है उनके पास बहुत सारे प्रेम हैं तो हमको देने में हम अनकालीफाइड हैं हम कुछ गुण नहीं है हमारे पास फिर भी हमको बिकारी के समझ समझ के हमको कृपा देते तो हमको कृपा मतलब कैसे समझे बात को मुझे लगा आपका क्वेश्चन ऐसा रहेगा कि जैसे क्वेश्चन स्टार्ट किया आपने तो हम भिकारी को देते हैं भगवान क्यों हमको कंजूसी करते हैं <laughs> जैसे आपने उदाहरण दिया कि जो भिखारी आप देखेंगे उसके वस्त्र उसका जो हुलिया है और इतना वो जेन्युनली इतना आप देखेंगे आप देंगे भी नहीं ना और उनको पता है कौन देता है वो इतने इंटेलिजेंट होते हैं कि उनको पता है कौन देगा कई कोई माताएँ होती है ना उनका पल्लू छोड़ते ही नहीं ये देंगी इसमें कोई संदेह नहीं बहुत क्योंकि एक्सपीरियंस हो गया ना उनको इतना भीख मांग के इतना एक्सपीरियंस हो गया उनका कि उनको पता है सामने चेहरे से पता चल जाता है ये देगा या नहीं देगा इसे किसको ज़्यादा इंसिस्ट करना किसको नहीं करना ये देख के जैसे हम बुक डिस्ट्रीब्यूशन एक बार कर रहे थे तो वहाँ पर जो कुछ छोटा मोटा चीज़ बांटने वाले लोग होते हैं वहाँ पर तो मैं बोला कौन भगवद गीता लेगा सोच रहा था ऐसे ही सोच रहा था कि भगवती था। मैं उनको पूछा ए आप तो ये प्लास्टिक बैग बेचते हो ये डस्टबिन का ये कौन लेता आपका धंधा होता है क्या तो भगवान की दया से हो जाता है उसने ऐसा बोल दिया बोले ये प्रीचिंग किया मुझे क्या <laughs> भगवान की दया से हो जाता है तो मुझ में कॉन्फिडेंस आ गया फिर तो इतनी श्रद्धा है कि हम कभी कि क्या होता है ना बहुत ग्रांटेड लेते हैं कि हम न, हम ज्यादा ऊपर है नहीं हमको कर्मी लोगों से भी सीखना चाहिए उनमें बहुत श्रद्धा है और वो कभी गिवअप नहीं करते हैं उसको एक नहीं देगा दस लोग नहीं देंगे फिर भी एक एक चीज़ आप देखेंगे उसका हुलिया उसका भाव उसका बोलने का वो इतना नाटक करेगा इतना ड्रामा करेगा वो रोने का नाटक करेगा ये करेंगे वो करेंगे इतनी उत्कंठन से हम भगवान को मांगते हैं क्या कभी आपकी नहीं बात कर रहा मतलब मैं मेरी कह रहा हूँ कि हम नहीं मैं तो नहीं मांगता इतनी उत्कंठा से जैसे अन्ना हजारे जब कुछ मांगी पूरी करो होता होते तो उपोषण कर लेते थे हा? कितने दिन खाएंगे नहीं हम और सरकार झुक जाता था कभी हम ऐसे सोचते हैं कि आ, मैं तो कभी ऐसा सोचा नहीं कि मैं ऐसी एकादशी कर लूँगा या मैं एक हफ्ता ऐसा फास्टिंग कर लेता हूँ लगा देता तंबू राधा राजवीर के सामने बस जब तक भक्ति नहीं मिलेंगे हटेंगे नहीं यहाँ से नहीं होता है मैंने ढोंग क्यों करें ना नहीं होता है भिकारियों का जो अब जो उदाहरण दिए कि उनका जो इतनी वो से वो मांगते हैं और इतना उनका विश्वास रहता है कि नहीं मिलेगा हमारा धंधा हो जाएगा इससे तो करोड़पति बन जाते वो लोग भी और दूसरा चीज जैसे पैसा आपने कहा कि हमारे पास पैसा है हम दे देते हैं नहीं वैसे ही भगवान भक्ति अपनी नहीं देते ना यही तो प्रॉब्लम है इधर प्रॉब्लम किधर है कि हमको लगता है कि भगवान भक्ति देंगे श्री गुरु चरण यही से उत्तम गति रोज हम यही गाते हैं ना कि उत्तम गति क्या है राधा रजनी के पास जाना नहीं किसके पास जाना किसके पास जाना प्रभु जी के पास जाना ये उत्तम गति है हम प्रभुपा से भी किधर मांगते हैं ना हम किधर क्या कहते हैं राधा रजबीर से जो कृष्णा गोपियों ने इतना प्रेम किया उनको उनको भी त्याग देने के लिए तैयार है मतलब कृष्ण तो भक्ति आप ये छोड़ ये भूल जाना चाहिए अभी कृष्ण भक्ति देंगे हमको भक्ति कौन देंगे कौन देंगे रूपा जी गुरु देंगे तो गुरु ज्यादा अमीर है कृष्ण से क्यों क्योंकि कृष्ण के पास कृष्ण नहीं है गुरु के पास कृष्ण है मैं समझ मैं क्या बोल रहा हूं इसमें थोड़ा सटर चीज है कि गुरु के पास कृष्ण है ना तो ज़्यादा गुरु बड़े हो गए ना यहाँ पे कृष्ण तो अपने आप को देने वाले नहीं कृष्ण थोड़ी धोती सिखाने आते हैं हमको आते हैं क्या कृष्ण तिलक लगाए आपको तिलक कौन लगाया सिखाए कौन सिखाए आपको कौन सिखाए भगवान के भक्त लोग हमको तिलक लगाए सिखाते हैं हमको धोती पहनना सिखाते हैं माला करने भी वो कृष्ण नहीं सिखाते हैं सर्वधर्मान् परित कैसे करना ये भी भक्त दिखा रहे हैं प्रभुपा जी अपने जीवनी में दिखाते हैं शुद्ध भक्त लोग दिखाते हैं तो सब चीज भगवान के भक्ति दिखा रहे हैं इसलिए हम जब मांगते हैं ना तो भगवान के भक्त प्रॉब्लम क्या है ना चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा हो हर भक्त की सेवा ध्रुव महाराज ध्रुव महाराज थे नहीं पहले वो भक्त नहीं थे माता ने अपराध कर लिया उसका फल कभी मिला भक्त बनने के बाद तो पता नहीं कौन क कहा कौन सा स्तर पे आ जाएगा उसके पिछले जन्म के क्या उसका रिकॉर्ड है कुछ हमको एक्सेस नहीं उसका इसलिए भगवान कृष्ण जो है भक्त के अधीन में है तो भक्त देंगे भगवान नहीं देने वाले ये मैं सुना हूँ आचार्यों से शिल प्रपाद की हरे कृष्णा। एक प्रश्न हरे कृष्ण प्रोजी थैंक यू वेरी मच प्रोजी यू आर टॉकिंग अबाउट ममत्व तो जब ममत्व भावना होते हैं तो जितना भी परिस्थिति हो वो सेवा करते हैं तो सेवा उनको दिया जाता है बट इधर क्या हो गया प्रोजी तो हम देखते हैं बहुत सारे ऑप्शन होते हैं सेवा में तो हम कम्फर्ट जोन ढूंढते, हैं तो कैसे ये इससे बचे और ममत्व का भावना को, को डेवलप कर सके? दो चीज है देखिए सेवा में भी आनंद नहीं आएगा तो हम टिक नहीं पाएंगे ऐसे सिर्फ ऐसे ही बोलना ठीक नहीं कि जानबूझकर कोई ऐसी चीज़ करो कि तुमको पेन मिलते रहें क्योंकि अगर आपको आनंद नहीं आएगा आप जिएंगे कैसे भक्ति में दोनों चीज़ होता है एक तो कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि हमको ऐसी सेवा मिलेंगे जिसमें आनंद नहीं आएंगे पर हमको करना पड़ेगा क्योंकि मिशन का वो रिक्वायरमेंट है दो चीज़ समझ लीजिए अब इस चीज़ को पहले कि एक चीज़ ये है कि आपको सेवा में आनंद आना चाहिए दूसरा चीज़ ये है कि मिशन की रिक्वायरमेंट जैसे हम कंपनी में काम करते हैं जैसी जॉब लग गया तो हमें कंपनी को ये नहीं बोलते कि मुझे ये ये प्रोफाइल चाहिए ऐसा ऐसा चाहिए जो काम बोला करना पड़ेगा वहीं हाँ हाँ पे वही पर हाँ हाँ मिलाते हैं ना हम लोग हाँ सब करेंगे बाद में जैसे दो साल हो पा जाते हैं तभी चॉइस आता है <laughs> मुझे ये नहीं करना है ये करना है क्योंकि आप में एक योग्यता भी आती है थोड़ा सा आपका आप वैल्यू कर जब ऐड करते हैं ना कुछ कंपनी में तभी आपको चॉइस भी दिया जाता है फिर वही चीज हमको ये से भी समझना है कि इनिशियली मे भी ये आपको ना मिले पर आपको ये भी समझना है कि भगवान आपके साथ है ना क्या भगवान को पता नहीं कि आप क्या कर रहे हैं आपको पसंद नहीं आ रहा है कुछ चीज़ भगवान तो भली बात जानते हैं हम ऐसे क्यों समझते हैं कृष्ण को नहीं जानते हैं कृष्ण तो जानते हैं ना कि आपको किस में आनंद नहीं आ रहा है किस में आनंद है तो कृष्ण का ये काम है कि आपको कैसे आगे लेना है अभी थोड़ा सा पेशेंस इसलिए उत्साह निश्चय धैर्य भी है तो पेशेंस भी रखना चाहिए मे भी आज वो सेवा नहीं है मेरे पास कि जिसमें आनंद आए या कंफर्ट नहीं है थोड़ा सा मुझे इसलिए हम कभी कभी कंफर्ट जोन ढूंढते हैं कि शुरू से ही कंफर्ट जोन झीलना तो थोड़ा सा ये ठीक नहीं है अगर हमको मेंटर कुछ बोलते हैं या फिर हमको गुरु आचार्य बोलते ये करने इससे अनुमति में अधीन होकर सेवा करने ज़्यादा अच्छा है प्रोटेक्शन भी है मेंटर से अगर मेंटर से भी कुछ इश्यूज हो रहे हैं तो आपको थोड़ा सा अगर सीनियर अथॉरिटी से बात करके इसको लेना चाहिए और अगर जो भी निर्णय थे हम फॉलो करेंगे थोड़ा पेशेंस रखेंगे भगवान देखो आपके फेवर में कुछ ना कुछ करेंगे थोड़ा पेशेंस रखेंगे तो इसलिए दोनों चीज़ हैं सेवा में आनंद भी आनी चाहिए और Uh, साथ में मिशन की रिक्वायरमेंट क्या है ये भी हमको देखना चाहिए अपने हिसाब से सेवा नहीं होता जैसे कंपनी का रिक्वायरमेंट के साथ काम होता है उसी प्रकार मिशन का रिक्वायरमेंट अब क्या है वैसे हमको सेवा करेंगे तो ज्यादा प्रभुपात को हम प्लीज कर पाएंगे थैंक यू सो मच प्रोजी आ, भक्ति तो हम अम, हमारे आनंद के लिए तो नहीं करते ना जी तो भक्ति जो सुपीरियर से जब हम यहाँ पे बैठते तो आइडियल स्टेज बताना पड़ता है कि भक्ति जो है कृष्ण के आनंद के लिए पर किसको कृष्ण के आनंद पड़िए बाबा <laughs> हमको तो हमारा हमको थोड़ा सा तकलीफ हो गया तो हम तुरंत रिएक्ट हो जाते हैं ये सच है तो इसलिए इनिशियल स्टेज में हम अपना आनंद देखते हैं और Uh, क्योंकि हम अपने आनंद के चक्कर में हैं इसलिए अच्छा प्रसाद अच्छा कीर्तन फिर तीर्थ धाम जाना ये सब अपने आनंद के लिए तो करते हैं हम थोड़ी कृष्ण के आनंद के लिए करें तो इनिशियल स्टेज में ये भाव रहता ही है अपना आनंद अपना सुख पर एक ग्रेजुअली स्टेज आ जाता है जिसमें कृष्ण का आनंद तो इसको हमको ढोंग नहीं करना चाहिए मतलब हाँ चलो मैं तो कृष्ण के लिए ये सब हम प्रयास कर सकते हैं पर कही कहीं ना कहीं अगर आपको सेवा कंटिन्यू करने में कई साल तक कर रहे हैं और फिर भी अगर कुछ प्रॉब्लम्स हैं तो आपको ये सब हल निकालना पड़ेगा नहीं तो फिर है ना अंदर ही अंदर फिर टिकना बहुत मुश्किल हो जाता है ना तो इसलिए आनंद कृष्ण कॉन्शियस चैंड टैंड बी हैप्पी है अगर आनंद नहीं आएगा तो कौन टिक कैसे हम रहेंगे जिएंगे कैसे फिर कर्मी लोग तो पार्टी में आनंद लेते हैं तो हम अगर कीर्तन में आनंद नहीं लेंगे तो मतलब क्या रहेगा तो प्रॉब्लम है कुछ अगर आनंद नहीं आ रहा है तो इसको हमको हल निकालना चाहिए अपने मेंटर सीनियर से बात करके कैसे क्या इसको करें ठीक है, थैंक यू सो मच शिल प्रा देखिए हरे कृष्णा